नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पर्यटन की बेहद ही असीम संभावनाएं हैं। जिला चाहे कोई भी हो, पर्यटन के लिहाज से विकसित होने योग्य ही होता है। अब तक बिहार सरकार कई जिलों को इसी लिहाज से विकसित कर चुकी है और अभी भी कई जिलों को विकसित किए जाने का काम लगातार हो रहा है। इन सबके बीच बिहार सरकार की तरफ से पर्यटकों को लुभाने के लिए और उनकी सुविधा को आसान बनाने के लिए बिहार के सभी जिलों में पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की बात कही गई है। इसको लेकर बिहार सरकार का पर्यटन विभाग राज्य के सभी जिलों में केंद्र बनवाने को लेकर तत्पर होकर काम कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि इन पर्यटन केंद्रों पर जिले के पर्यटन केंद्रों से लेकर आवागमन के साधन, भोजन और ठहरने की व्यवस्था समेत सारी जानकारी मौजूद रहेगी। क्योंकि अभी कोविड-19 की तीसरी लहर है, ऐसे में फिलहाल तो इसके काम की गति थोड़ी धीमी होगी, लेकिन तीसरी लहर के मामले कम होने के साथ ही इस दिशा में पहल तेज की जाएगी। विभागीय सूत्रों की माने तो इन केंद्रों पर पर्यटकों को ऑनलाइन सुविधा मुहैया करवाए जाने पर प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए पर्यटन केंद्र पर ही 2 कर्मचारी को लगाया जा रहा है, जो अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पर्यटन केंद्रों पर ऑनलाइन टूर एंड ट्रेवल्स, रेलवे, हवाई जहाज या बस टिकट आदि की जानकारी भी पर्यटकों को आसानी से मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पर्यटक इस असमंजस में ही रहते हैं कि किस तरीके से वो पर्यटन स्थल तक पहुंचेंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, रेलवे मार्ग से जाएं, कहां से जाना उनके लिए सुविधाजनक होगा, कौन कौन से विकल्प उनके पास मौजूद है, इन सब की जानकारी का अभाव पर्यटकों के बीच देखने को मिलता था। लेकिन आने वाले समय में पर्यटकों की यह समस्या दूर होने वाली है। इतना ही नहीं, पर्यटन केंद्र से दूसरे जिले पर जाने के लिए वाहन और टूर पैकेज की व्यवस्था भी इस पर उपलब्ध करवाई जाएगी। पर्यटकों के लिए यहां वाईफाई के साथ फोन और इंटरकॉम की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी, ताकि इमरजेंसी में पुलिस पर्यटकों की मदद कर सके, जरूरत के अनुसार गाइड की सुविधा भी उपलब्ध हो सके। बिहार में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए बिहार आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को पर्यटन केंद्रों से जुड़ी बेहतर जानकारी देने के लिए पर्यटन विभाग ने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है, जिसके बाद जल्द ही नालंदा, राजगीर, बोधगया, वैशाली, पटना, सासाराम, पावापुरी, मुंगेर, वाल्मीकि नगर जैसे मुख्य पर्यटन केंद्रों की वीडियो भी वेबसाइट पर अपलोड होगी, जिससे आने वाले दिनों में पर्यटक को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब बस एक क्लिक में उन्हें बिहार के सभी पर्यटन स्थलों की सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जिससे बिहार में पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही पर्यटक भी बिहार की तरफ तेजी से आकर्षित होंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।